हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बनी नवी कैबिनेट दे विच एक भी सिख आगू नूं शामिल नहीं किया गया, जदों कि हरियाणा विच सिखां दी बहुत वड्डी गिणती वसदी है। इस तों स्पष्ट हुंदा है कि सरकारां सिखां दे नाल हमेशा मतरेइयां वाला सलूक करदियां हन। इस नूं लै के सरदार सिमरजीत सिंह मान दा एक ट्वीट भी सामने आया, जिथे उन्हां इस मामले उत्ते अपना रोस प्रगटाया। हरियाणा दे विच हाल ही दे अंदर वड्डा सियासी फेरबदल होया है। ते इस सियासी फेरबदल दे विच जिथे मुख्यमंत्री दा चेहरा बदलिया गया, तां उत्थे कैबिनेट दे विच वी नवें चेहरे शामिल होए ने। पर इस नवीं कैबिनेट दे विच एक भी सिख व्यक्ति नूं शामिल नहीं किया गया। इस मामले दे विच जिथे पंजाब दी समुची सियासी लीडरशिप चुप है, तां उत्थे ही सरदार सिमरजीत सिंह मान दे वल्लों इस दा विरोध किया गया। उन्हां लिखिया है कि बीजेपी आरएसएस कट्टड़वादी जमातों के आगुआ अते मुखिया के मन आत्मा दे विच घट गिणती सिख कौम प्रति किन्नी नफरत है, वह इस तो प्रतख हो जाती है कि हुणे ही हरियाणा की श्री नायब सिंह सैनी की अगवाई हेठ बनी नवी कैबिनेट के 8 वजीरां दे विच एक भी सिख वजीर नहीं लिया गया, जदों कि हरियाणे दे विच सिखां दी बहुत वड्डी गिणती वसदी है। यह सूबा पुरातन पंजाब सूबे का ही हिस्सा है। अजिहे नफरत भरे अमल हुकमराना दी सिख कौम प्रति सोच अते अमलां नूं प्रतख जाहर करदे हन कि जिस दे नाल इह हुकमरान इंडियन विधान दी धारा 14 दी उस भावना नूं डूंघी सट मार रहे ने, जिस राहीं इह दिशा निर्देश हन कि इस मुल्क दे विच वसन वालियां सब कौमां धर्म कबीले बराबरता दा हक रखदे ने। यह विचार सरदार सिमरनजीत सिंह मान MP अते प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने हरियाणा की नवी कैबिनेट विच किसी सिख शख्सियत नू ना लैण उते बीजेपी RSS की सिख कौम प्रति नफरत नू उजागर करन वालिया नीतियां अते अमलां उते गहरा दुख जाहिर करदे हुए प्रगट किए ने। उन्हां कहा है क्योंकि हरियाणा पुरातन पंजाब सूबे का ही खेत्रफल है, जिथे करनाल अंबाला सिरसा कुरुक्षेत्र यमुनानगर अते पंचकूला के जिलों के वड्डी गिणती के अंदर सिख वसदे ने। यह इलाका पंजाबी बोलदा इलाका है। इस इलाके नूं तुरंत पंजाब दे विच शामिल किया जाए ता कि इस इलाके के निवासियों नाल फिरकू हकूमत वल्लों हो रही ज़्यादतियां वितकरियां नूं बंद किया जा सके। उन्हां उम्मीद प्रगट की है कि जो पंजाब हरियाणे के गुआंढी सूबियां दे आपस दे विच पाणियां खेत्रफल पंजाबी भाषा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ आदि मसले लंबे समय तो खड़े ने, उन्हां मसलियां नूं मौजूदा नवी हरियाणा सरकार पहल के आधार उत्ते हल करके पंजाबियां अते सिख कौम नाल हुंदी आ रही बेइंसाफी नूं खत्म भी करेगी अते धारा 14 के अनुसार बराबरता की सोच नूं अमली रूप दे विच लागू भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।